बाहर आई हुई हूँ, मैंने देखा कैसे लॉकडाउन है। ये देखें गाड़ियाँ आ जा रही हैं, मैं ये मार्केट में जा रही हूँ, लेकिन ये है कि यहाँ के असूल बहुत फॉलो करते हैं। हमारे यहाँ पाकिस्तान में ये फॉलो नहीं करते। यहाँ देखें लॉकडाउन है, मैं अब मार्केट में जा रही हूँ, मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि वहाँ कैसे लोग साइड पे खड़े हैं और वक्फे में खड़े हैं, वक्फे वक्फे की जगह पे खड़े हैं। ये पिज़्ज़ा है, हेल्प वो भी सुन, लेकिन लीफ लिंग है। अगर चीज़ बस स्टेल करके आप ले सकते हैं, वैसे रेस्टोरेंट सब कुछ बंद है। ये देखें गरीब मार्केट है, मैं इसमें आई हूँ। देखें मैं आ गई, ये देखिए इन्होंने जगह जगह पे लगाया है कि आप लाइन को मफूम मीटर पे खड़े हो सकते हैं, इसके अलावा नहीं खड़े हो सकते। तो यहाँ के असूल बहुत सख्त हैं तो, और लोग फॉलो भी करते हैं। ये देखें यहाँ इन्होंने ये मार्केट रखे हुए हैं, हर चीज़ मौजूद है। ये नहीं कि मार्केट में चीज़ें नहीं हैं, हैं ज़रूर। उन्होंने स्कूटी रखी हुई है, अगर कट्ठे पे खड़े हो जाए तो वहाँ से उसको हटा दे। देखे हाँ, मैं अदरक देखने आई हूँ, वो मुझे मिलती है कि नहीं। इन्होंने स्कूटी खड़ी की हुई है कि कोई एक जगह पे दो आदमी या औरतें खड़ी ना हो सके। ये देखे पूरी जगहों पे इन्होंने निशान लगाए हुए हैं ना, ये देखें यहाँ 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 खड़े होने, इसके अलावा और कहीं नहीं। अगर यहाँ कोई खड़ा है तो वहाँ ही खड़े रहने, देख के चीज़, और जिस चीज़ को हाथ लगाना है वो उठा लेनी है, उसको दोबारा नहीं रखना। ये यहाँ के असूल है। ये देख के हमें असूल अपनाने चाहिए। यहाँ रामा इन्होंने नोए वंशिश का लगाया हुआ है, लीटा भी है और हर चीज़ मौजूद है। ये नहीं कि कोई नहीं है, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। मैं यहाँ दूध देख रही हूँ, अगर मुझे दूध मिल जाए तो देखें। यहाँ इन्होंने ये ओस्टन का सामान रखा हुआ है, ये देखें ये सारा ओस्टन का है। मैं दूध भी ले लूँ, मुझे ज़रूरत है दूध की। चलें देखते हैं कि कौन सा मिलता है। यहाँ ये पानी पिला हुआ है सारा, ये देखें। ये देखें मैं दूध देख रही थी लेकिन मुझे दूध नहीं मिला कहीं से। अब अंदर ही दूसरी साइड पे देखती हूँ ना, जो मैंने लेना था वो नहीं था लेकिन दूसरा है। बहुत अच्छे हैं और सब लोग फॉलो भी करते हैं। ये देखें
ये देख ले, हर शोकेस, हर फूल का फूल पड़ा हुआ है। देखो लेने वाले बहुत कम है। ये देखे, यहाँ ये फावे वगैरह पड़े हुए हैं। तो मैं आप लोगों को ये दिखाना चाहती हूँ कि ये मैं लेके आई हूँ, हॉट पॉट है ये, मैं लेके आई हूँ। पहले ये 10 यूरो का था, आज मुझे वो ये 5 का मिल गया है। कॉफ़ी लाइन से मैं निकाल के खोलती हूँ आप लोगों के सामने और दिखाती हूँ। ये देखें कितना प्यारा बना हुआ है। ये पहले 10 यूरो का लगा हुआ था तो मैं नहीं लेके आई थी, मैंने कहा कि ये महंगा है ना, तो लेकिन आज मैं प्राइस देखी, आज मैं गई हूँ तो ये उन्होंने 10 से काट के प्राइस नीचे की हुई थी और ये 5 का मिल गया। ये देखें इसमें अगर आप रोटी रख लें तो भी गर्म रहोगी, ये सालन डाल लें, जो कुछ आपकी मर्जी है डाल सकते हैं। ये देखें ड्राई लीटर का है, ये रामा लेके आई थी, ये मैं लेके आई थी रीवे से, ये 55 सेंट का दूध लगाया था, ये मैं लेके आई बेटे के लिए, ब्राउन शुगर लेके आई थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शाम का टाइम हो गया है तो यहाँ गाजरें लेके आए थे तो कह रहे हैं कि आज अपने मियाँ की फरमाइश पे मैं बना रही हूँ गाजरों के खीर, मैं बनाऊंगी गजरेला। तो यहाँ मैंने चावल रख दिए हैं, अब पानी डाल के मैंने रख दिया था तो चावल उबल रहे हैं, तो अब मैं इसके अंदर डालूंगी ये गाजरें जो क्रश कर रही हूँ, तो आप लोगों को दिखाती हूँ फिर कैसे बनती है। आज मैंने रात से ही शुरू कर लिया वीडियो, तो यहाँ चावल हो गए, उबल गए हैं, अब मैं इनके अंदर ये गाजरें ऐड कर दूँगी। ये देखें ऐसे मैं गाजरें डाल देती हूँ, और ये भी इनके अंदर पकेंगी। यहाँ मिक्स कर देती हूँ कि ये पानी खुद ही छोड़ेंगी और मैं फिर दूध डालती हूँ। कितना प्यारा प्यारा सुरख सुरख है गाजरों का रंग, कलर अच्छा लग रहा है ना। तो यहाँ मैं दूध डालती हूँ, अभी मैं कह रही थी कि ये थोड़ा पक लें गाजरें, थोड़ा सा पानी छोड़ लें तो फिर मैं दूध डालती हूँ, उसके अंदर पकेंगी चावल और गाजरें, गाजर का गजरेला है। यहाँ मैं दूध डालूँगी, तो यहाँ मैं दूध डालने लगी हूँ। तो यहाँ मैं दूध डालने लगी हूँ, 1 किलो दूध डालूँगी, 1 लीटर। मैंने दूध डाल दिए, यहाँ मैं 2-3 इलायचियाँ खुशबू के लिए डाल दूंगी, 2-3 स्टॉक मैंने डाल दिए खुशबू के लिए। तो यहाँ मैं डालने लगी हूँ सौंगी, ये मैंने धो के डाल दी है।
के साथ ही ये इसके पकती रहेगी। तो यहाँ मैं चीनी ऐड कर दूँगी क्योंकि गाजरें मीठी होती हैं, मैं तो आधा कप डालूँगी क्योंकि हम इतनी ज़्यादा मीठा नहीं खाते, इसीलिए मेरे घर में कम बनता है मीठा। ये देखें मैं तो इतनी डालूँगी, ये ब्राउन शुगर है, मैं ब्राउन इस्तेमाल करती हूँ, मैं नहीं दूसरी करती। बस थोड़ी देर और पकाएंगे तो ये बन जाएगी, तैयार हो जाएगी। देखिए क्या कहते हैं हमारी ज़बान में, आप लोगों को पता नहीं क्या क्या कहते हैं, हम तो इसको गाजर की खीर कहते हैं, गजरेला। तो ये तैयार हो गई है। यहाँ मैं आप लोगों से इजाज़त चाहती हूँ इसी दुआ के साथ के हम सब अल्लाह ताला के फजल व करम से ठीक ठाक रहें और सब अपने बहन भाइयों का ख्याल रखें। आमीन सुम्मा आमीन। तो प्लीज़ अगर ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के एंकर को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप लोगों तक बर वक्त